श्री बाणा बाणा बालाजी की, बानवड़ा बालाजी की, शेष अवतार कल्ला बाप जी की, आज हम सब श्रद्धालुओं और भक्तजनों का सौभाग्य है कि हमें हमारे आस्था का केंद्र ये पवित्र स्थान बानोड़ा बालाजी का स्थान जो अद्भुत है, जिसकी महिमा केवल चित्तौड़ बेगू राजस्थान नहीं, पंडित जी को लाओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, बानोड़ा बालाजी की। तो ये ऐसा स्थान है जिसकी अद्भुत लीला है। कई दिनों से सभी का आग्रह था कि मैं यहां पर श्री राम कृष्ण 1206 कल्पी यज्ञ की महा यज्ञ आहुति में आऊं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी कार्यक्रम नहीं बन रहा पा रहा था। लेकिन जब मैं बूंदी चला तो मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं बालाजी बुला रहे हैं, और जब बालाजी बुलाते हैं तो रुकते नहीं। रात को 1 बजे संजय जी आए, मैंने कई बार मना किया लेकिन वो रात को 1 बजे तक खड़े रहे। मैंने भी कहा कि ये कृपा बालाजी की है, जब बालाजी ने बुलाया तो बालाजी के दर्शन करने जाना ही जाना है। तो ये भी कृपा बालाजी की होती है। यहां पर जो लाखों श्रद्धालु आए हैं, भक्तजन आए हैं, उन पर भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, इसीलिए वहां पर आए हैं। नहीं तो लाखों लोग अपने घर पर बैठे, ये बालाजी की कृपा आप पर, हम पर है कि बालाजी ने हमको दर्शन दिए हैं। यहां के मंत्र पंडित कैलाश जी है। जब ये मंदिर था तो बहुत छोटा मंदिर था, लेकिन भक्त की आस्था और बालाजी की कृपा, मैं जब भी यहां पर आता हूं मुझे अद्भुत नए भगवान के मंदिर दर्शन करने का मौका मिलता है। ये अपने आप में अद्भुत है। आप भी देख रहे होंगे, हर साल आते होंगे, हर साल आपको नया मंदिर का निर्माण यहां पर मिलता है। और कैलाश पंडित जी किसी से कहते नहीं, भक्तजन अपना आप आते हैं और मंदिर की निर्माण करते हैं। ये भक्त की आस्था और बालाजी की कृपा का ही प्रताप है, और इसीलिए स्थान का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। हमारे धर्म संस्कृति के अंदर स्थान, स्थान के बाद वास्तु से निर्माण, इसका एक अद्भुत रूप से होता है। और जब निर्माण चलता है तो प्रभु की कृपा से वह निर्माण रुकता नहीं। और इस बालाजी के मंदिर में यह भी अनुभव देख रहा हूं
जब से शुरुआत हुआ है शायद निर्माण रुका नहीं, ये भी बालाजी की कृपा है। और आज 1206 श्री राम कृष्ण ये कल्पित महायज्ञ अद्भुत है। और यहां पर कृपा देखो कि 365 दिन अनवरत लगातार यहां पर यज्ञ चलता है, अनवरत रामायण चलती है। कभी यज्ञ के अंदर न विराम हुआ न व्यवधान हुआ, ये भी प्रभु की कृपा है। और यज्ञ का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। हम जब यज्ञ करते हैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए भारत की धरती वह धरती है जो वसुदेव कुटुंबकम की धरती है। हम सारे विश्व को परिवार मानते हैं और सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो भारत की धरती करती है, यहां की संस्कृति करती है, यहां की आध्यात्मिक शक्ति करती है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और संस्कृति आप जैसे संस्कृति दूतों के कारण दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रही है। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे आस्था धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन यही धरती है मेवाड़ की धरती, जो महाराणा प्रताप की धरती है, जिन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए जंगल में जाकर भूखे रहकर भारत की संस्कृति और धर्म को बचाने का काम किया। ये त्याग और बलिदान की भक्ति है। जब पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर उस समय के शासक को बचाने का काम किया, ये भारत की धरती हो सकती है। ये मीरा की धरती है जहां उन्होंने राजपाट छोड़कर प्रभु की भक्ति में हमारा सब कुछ समर्पण कर दिया। शौर्य त्याग और समर्पण की ये धरती, इसकी विरासत, इसका ऐतिहासिक, यहां के लोगों के रहने वाले लोगों का ऐतिहासिक क्षण केवल भारत में नहीं दुनिया में। जब इतिहास में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से अपनी धर्म और संस्कृति के लिए घास की रोटी खाकर देश और धर्म को बचाने का काम कर सकते हैं तो भारत की संस्कृति और धर्म के लोग भी कर सकते हैं। और इसीलिए हमें हमारी विरासत पर गर्व है, हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है, हमारे आध्यात्मिक पर गर्व है। और ये यज्ञ की संस्कार अभी से नहीं, आप भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे तो यज्ञ हमारी सबसे पुरानी संस्कृति रही है, आध्यात्मिक रही है। और यज्ञ सर्व कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए, सबकी समृद्धि के लिए। और इसीलिए एक समय आया था जब राक्षसों ने यज्ञ के अंदर व्यवधान करने का प्रयास किया था, तो भगवान राम ने अवतार लिया और राक्षस मूर्ति का नाश किया। और इसीलिए यज्ञ हमारी संस्कृति है, यज्ञ हमारा आध्यात्मिक है, यज्ञ हमारा धर्म है। यज्ञ से सबका कल्याण होता है, सबके जीवन में समृद्धि आती है, वायुमंडल में शुद्धता होती है और सबके जीवन में समृद्धि खुशहाली यज्ञ लेकर आता है। मैं इस यज्ञ की पुनरावृत्ति पर जितने लोगों ने यज्ञ में पुनरावृत्ति दी उन सब जजमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः महंत कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण हम सबको बालाजी और कैलाश जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, भैरव जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, लक्ष्मी जी का मां का दर्शन, कितने मंदिरों के दर्शन करने का एक ही स्थान पर अगर सौभाग्य दिया है तो पंडित कैलाश जी ने दिया है।
उनको भी इस मौके पर हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी तरीके से हमारे भगवान के भक्त सेवा करते रहे और सबके कल्याण और समृद्धि की कामना करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बानोड़ा बालाजी की, शेष अवतार कल्ला जी महाराज की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, सबके कल्याण की, गो माता की। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से और पंडित साहब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे बेवाण आए हैं भाई साहब, उनमें से चार पांच बेवाण को आपके हाथ से भी अभिनंदन का कार्यक्रम हम रख लेते हैं। बाकी ये सब लोग यही रहे भैया, ये मंच थोड़ा सा ऐसा ही है, आप पीछे रहे, आप सभी लोग भक्तगण हैं पीछे रहे। कमलेश जी, नारायण सिंह जी, आप लाओ ना पांच लोगों को बुलाओ, पांच गांव के बेवाण को बुला लो, जो भाई साहब के हाथों से अभिनंदन हो जाएगा। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कमलेश जी, प्रकाश जी लाओ ना भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ, एक सांकेतिक हम केवल पंडित साहब का है, पंडित साहब, अरे रुक जाओ भैया मंच थोड़ा, आप रुक जाओ ना। हाँ केवल के खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है ये। मुकेश देव मुकेश थे करिए, अब मैं इसी कड़ी में एथलेटिक्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोटा अध्यक्ष भाई साहब विशाल जी शर्मा भी अपने मध्य उपस्थित है, मैं आ जाओ एक साथ आ जाओ। अब मैं आए युवा खिलाड़ी, मैं यहां पर देख रहा हूं नौजवानों में उत्साह है और ये उत्साह है, अनुशासन है, देशभक्ति है और जीतने का एक जुनून है और जिंदगी में खेल का मैदान ही ऐसा है जो हर रोज नई प्रेरणा देता है, नया उत्साह देता है, आत्मविश्वास देता है और खेल के मैदान में हर रोज जीतने का प्रयास होता है, यही जिंदगी की कहानी है। अगर जिंदगी में भी ऐसे ही विचार करे व्यक्ति कि मुझे रोज संघर्षों से लड़ना है, रोज विपत्तियों से लड़ना है, लेकिन एक दिन जीतना है, तो वह जिंदगी में कभी विचलित नहीं हो सकता। ये जिंदगी में कई कठिनाइयां आती है, चुनौती आती है, समस्या आती है, उस समय विचलित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे अध्यक्ष जी सत्यनारायण जी विचलित हो जाते हैं, ये संघर्षशील है, संघर्षशील लेकिन तनाव में आ जाते हैं, तनाव नहीं। खेल के मैदान के लिए जिला कलेक्टर एसडीएम से कहेंगे जगह देके, मुझे याद है यहाँ पर हर जगह कब्जे होंगे और जिसका कब्जा होगा वो भी विचलित होगा, लेकिन उसको कहेंगे कि खिलाड़ियों के लिए अपने कब्जे को छोड़ो। सर बिगर कब्जे वाली जमीन बता दीजिए। नहीं नहीं, कब्जे वाली है जमीन, बिना कब्जे वाली कोई जमीन एक इंच बची नहीं है। ये मेरे आज बड़ा स्टेडियम बना दो, मैं जमीन दे रहा हूँ, कब्जे वाला स्टेडियम बना दे, अपन स्टेडियम बना देंगे, मैंने पहले के रखा है और स्टेडियम भी ऐसा बनाएंगे लोग याद करेंगे इसके खेलने के मैदान। बहुत बहुत शुभकामना। अरे माता की।